अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज मास्टर्स टीचिंग कोर्स की क्लास में। आज मैं आपको बताऊंगी अलादीन शलवार का तरीका। वैसे तो ये बहुत आसान है, अगर आप पार्टी वेयर यूज़ करना चाहते हैं तब भी बहुत अच्छी लगेगी, और अगर आपने वैसे लीलन वगैरह पे भी बनानी है तो भी बहुत खूबसूरत लगती है। ये शलवार किसी ढीले कपड़े पे ही आप बनाएं तो अच्छी लगेगी। मैंने लिया है मलाई कपड़ा, जो शलवार वाला कपड़ा होता है, मैंने वो ये वाला फैब्रिक वो है, एक नॉर्मल शलवार का साइज़ है ये। इसको अच्छी तरह से मैंने इस्त्री करके ऐसे फोर्थ फोल्ड में रख लिया। छोटे बच्चों पर बहुत प्यारी लगती हैं, 10 से ऊपर ऊपर की जो बच्चियां ना, 10 साल से ऊपर ऊपर की जो बच्चियां हैं उनको ये चीज़ बहुत प्यारी लगेगी, कैजुअल में भी और पार्टी वेयर या शादियों वगैरह पे भी ना उनको बड़ी खूबसूरत लगती है। अभी जो कपड़े की टोटल लेंथ है मेरे पास वो है 37 इंच, और जो चौड़ाई है वो है 20 इंच, जो नॉर्मल शलवार होती है ना इस टाइम जो आप रेशमी लेते हो वो। इसके नीचे पड़ता है कफ। कफ आपकी चॉइस होती है, आप 3 इंच का डालें, 4 इंच का डालें, जितना मर्जी चौड़ा डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ा भी अच्छा नहीं लगता। मैं डालूंगी इसमें 4 इंच का कफ। कफ वाला जो 4 इंच है उसको साइड पे करके, तो मैंने क्योंकि इसके ऊपर भी बेल्ट डलता है, बेल्ट वाली शलवार की तरह हमें दरमियान वाला कपड़ा काटना पड़ता है। 36 शलवार की मैंने लेंथ तैयार रखनी है। 4 इंच का कफ निकालने के बाद आपने जो है ना वो 30 लेना है, आपने 30 इंच का साइज़ लेना है 36 इंच की शलवार तैयार करने के लिए। जो लेंथ आपने दरमियान वाली उतारनी है वो लेनी है 30 इंच। 30 इंच ये हिस्सा हम अलग कर लेते हैं। इसको और कोई कटिंग नहीं करनी आपने, ये चकोर ही रहती है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका घेर बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी यहाँ से ऐसे, मतलब आसन आपने मेजर करनी है 10 इंच पर, क्योंकि ऊपर बेल्ट भी डलना है, तो थोड़ी सी आप इसकी ये वाली शेप दे सकती हैं, ये वाली। ये 10 इंच की आसन का जो मैंने निशान लगाया है, सिर्फ ये लगा के आपने यहाँ तक सिलाई लगानी है। बाकी कपड़ा पूरा भी रहे तो ये शलवार अच्छी लगती है। बस आपकी कन्फ्यूजन के लिए मैं इसको थोड़ी सी शेप दे देती हूँ कि नीचे पांचा है और ऊपर से आसन है। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने ऊपर से आसन की सिलाई लगानी है और नीचे हमारा आ गया है पांचा। अच्छा, फॉर एग्जांपल के कफ का साइज़ आपने किस तरह से लेना है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि ये आपकी जो टांग है टखने के पास से, आपने उसमें राउंड अबाउट साइज़ लेना है। बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं करके लेना, फिर ऐसा होता है कि आपका जो है ना पाँव वो नहीं अंदर की तरफ जाता। आपने क्या करना है कि थोड़ा सा लूज़ रखना है, जैसे अब ये आपको गैप बीच में नज़र आ रहा है, आपने इतना सा लूज़ रखना है, ये आपका बिल्कुल टखने के पास से जो है वो साइज़ आ जाएगा। अच्छा, इस शलवार का जो मैं साइज़ रख रही हूँ वो राउंड अबाउट जो टखने के पास से साइज़ आ रहा है वो 10 इंच आ रहा है, तो मैं 10 इंच का पांचा नीचे से कफ का साइज़ रख रही हूँ। अभी मैं बताती हूँ आपको कि आपने कफ काटना किस तरह से है। ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है इसको आप करें फोल्ड। 4 इंच का कफ आपको तैयार चाहिए, 4 इंच का कफ तैयार चाहिए। आधा इंच सिलाई में जो जाता है ये वो रख कर आपने 4.5 इंच रखना है कफ। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि कफ का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये देखें, ये बंद होना चाहिए, डबल फोल्ड में होना चाहिए। अगर तो आप बुकरम लगा रहे हैं तो भी डबल कपड़ा हो, अगर तो आपके पास नहीं है इतना एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो फिर चाहें आप ये कर लें, नीचे भी सिलाई लगा लें। अगर कपड़ा है तो फिर आपने नीचे सिलाई नहीं लगानी है। आपने यहाँ से राउंड अबाउट अपना जो भी साइज़ रखा है या जिसकी भी बनाई है, जो भी साइज़ आप रख रहे हैं उससे जो कफ का ऊपर वाला हिस्सा है जो आपकी शलवार के साथ अटैच होगा वो आपने 1.5 इंच बड़ा कर देना है। इसको हम आगे कर लेते हैं कपड़े को, क्योंकि ऊपर से भी कपड़ा फालतू चाहिए, तो ये मैं अगेन यहाँ पर 10 इंच का 5 इंच का निशान लगा रही हूँ और 11 इंच रख रही हूँ ऊपर से, 1 इंच मैंने बड़ा कर दिया। ये शेप कुछ इस तरह से आएगी।
कफ की। अगर आप इतना ही जो साइज़ नीचे से हमने रखा है स्ट्रेट साइज़ ऊपर से रखेंगे तो आपको पाँव से मतलब एड़ी के पास से चढ़ते हुए पजामा ये शलवार बहुत तंग करेगी और लेग पर भी आपका ये जो हुक बटन है ना वो बंद नहीं होगा, इसलिए हमें नीचे से एक इंच खुला रखना पड़ता है। तो कोशिश ये आप कर लें कि आप बेशक मैयर कर लें, आपने 4 इंच का कफ रखा है तो अपनी टांग पर ऐसे 4 इंच का साइज़ ऊपर लें, ऐसे 4 इंच का साइज़ ऊपर लें, फिर आप यहाँ से एक अद बार ऐसे राउंड अबाउट मैयर कर लें तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो अब चलते हैं मशीन पर और इसकी स्टिचिंग भी बहुत इजी है। मशीन पर चलते हैं तो बताती हूँ आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है। अच्छा, ये शलवार का है फ्रंट बैक। सबसे पहले आपने आसन की सिलाई लगाने से पहले इस पर डालनी है बड़ा टांग का फुल बड़ा करके 2 सिलाइयाँ लगानी हैं ताकि हम उनसे बना सकें चुनट्स। ये जो शलवार मैं आपको बता रही हूँ ये यूनी गोइंग लड़कियाँ बहुत लाइक करती हैं कैजुअल में बना के, और ऊपर उन्होंने टॉप्स बनवाए होते हैं टॉप वगैरह, ऑफिस गोइंग जो यंगेस्ट हैं वो बहुत पसंद करती हैं। अब ये सिंगल शलवार है, इसको 500-600 इसकी सिलाई आराम से आप ले सकती हैं, इसका यूजेज बहुत है। ये मैंने डबल सिलाई लगा ली है, जैसा मैंने आपको बताया था कि चुनट्स बनाने के लिए आपने इस तरह से डबल सिलाई लगानी है ताकि आपकी चुनट्स इक्वल और नीट बने। अब आपने इन चुनट्स को जब खींचना है तो आपका बेल्ट, जैसे इस शलवार का बेल्ट मैं तैयार रख रही हूँ 20 इंच बेल्ट फ्रंट से तैयार है, इट्स मीन राउंड अबाउट 40 हो गया। तो मैंने एक एक हिस्से को 20-20 इंच की चुनट्स डाल के तो इनको मैंने सेट करना है। अच्छा, ये आपने चुनट्स डालने के बाद मैयर करना है कि आपका जितना बेल्ट है ना आपने उतना इसका घेर लाना है। अब मुझे बेल्ट 20 इंच तैयार रखना है, ये मैंने 21 इंच घेर इसकी चुनट्स जो हैं वो सेट की हैं ताकि आसन की सिलाइयाँ लगने के बाद ये 20 इंच आ जाए, और 20 इंच जब दूसरा घेर आएगा तो मेरे बेल्ट के लिहाज से मेरा घेर आ जाएगा। इसी तरह जिसका बेल्ट जितना है वही पहने और मतलब उतनी चुनट्स उतना ही घेर बनाए, फिर उस लिहाज से आपको घेर भी बड़ा रखना पड़ेगा शलवार का अगर आपका बेल्ट बड़ा है तो। अच्छा जी, ये जो चुनट्स डालनी थी धागे वाली ये डालने के बाद फ्रंट बैक पे डाल चुकी हैं। फिर उसके बाद मैंने ना आसन की सिलाई लगा ली है, इनको इकट्ठा जोड़ के आपने सिंपल तरीके से आसन की सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, नीचे जो देखें ये पांचा जो हमारे पास था इस पे भी मैंने किस तरह की चुनट्स डाली हैं जो आपको मैंने ऊपर बताई थी ना घेर में चुनट्स बेल्ट वाले हिस्से में, उसी तरह से आपने नीचे दोनों पांचों पे चुनट्स डालनी है। अब कफ हमने रखा था 11 इंच का तो आपने 11 इंच चुनट्स डालने के बाद इसको 11 इंच तैयार करना है, ऊपर बेल्ट के मुताबिक तैयार करना है और नीचे कफ के मुताबिक तैयार करना है। अब ये मैंने चुनट्स डाल दिए, वही डबल धागे के साथ मतलब सिलाई लगाई है बड़ा टांका करके और उसको खींच के 11 इंच का किया। ये जो कफ था ये मैंने पहले कट किया था, अब आपने इसकी सिलाई किस तरह करनी है, हमने लगाने हैं इस पर लूप्स। तो लूप्स हम कटिंग कर लेते हैं, आप कपड़े के भी बना सकते हैं, हुक भी लगा सकते हैं, टिच बटन भी यूज़ कर सकते हैं। हुक को आपने रखना है इस तरह से, एक हुक तो आपका बिल्कुल नीचे की तरफ लगेगा, अंदर आपने ना हुक रख के सिलाई लगानी है ताकि आपकी फिनिशिंग भी रहे साथ साथ। जब भी हुक लगाती हैं किसी भी चीज़ पे उसको डबल मतलब सिलाई कर लिया करें ताकि आपके हुक कभी भी सिलाई से निकला ना करें, मशीन की सिलाई से अक्सर ये वाले लूप्स निकल जाते हैं। आज मेरी आवाज़ आप सबको बहुत चेंज लग रही होगी, बस कुछ तबीयत सेट नहीं है, अल्लाह ताला रहम करे, आजकल तो हर कोई हर दूसरा बंदा ही बीमार हो रहा है। कोई भी ऐसा कॉर्नर जिसको आपने सीधा करना होता है उसको आप इस तरह से कट कर लिया करें, आपका कॉर्नर अच्छी तरह से सीधा हो जाएगा। ये कफ हो चुका तैयार, अब इस पर आपने लगाना इस तरह से है, उल्टी साइड से लगाना है और उसको सीधी साइड पे करना है। ऐसे उल्टी साइड पे आपने कफ लगाना है और इसको हम फिर सीधी तरफ से दूसरी सिलाई। अब जो कफ आपने लगाना है वहाँ उसके लिए आपको यहाँ से 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ना होगा, इसलिए चुनट्स भी 11 इंच कफ था तो 5 के जो चुनट्स हैं वो मैंने 12 इंच पे एंड की हैं।
जैसा आपने कफ लगाना है इस पे इतना ही गैप बेशक दे दें। बुकरम का भी बनता है, लेकिन बुकरम का ना बहुत हार्ड हो जाता है नीचे से, और वो इतना मुझे लगता है कि वो प्यारा नहीं लगता जितना ये सॉफ्ट वाला अच्छा लगता है। इस तरह से अब जब हमने सीधी तरफ करके इसकी सिलाई लगानी है तो अच्छा, ये जो आपने एंड पे जो कपड़ा छोड़ा है इसकी बेशक ये चुनट से आप खोल दें। यहाँ से ये कपड़ा छोड़ने का मकसद ये था कि जब आपने कफ की दूसरी सिलाई लगानी होती है तो आप इस कपड़े को साथ इस तरह से फोल्ड करें, इस तरह से। और फिर सिलाई लगाना शुरू करें। अब ये जो कफ है आपका, आपने इसको भी ऐसे फोल्ड करना है और इस सिलाई के ऊपर जो आपने चुनट डालने के लिए बनाई थी उस पर एडजस्ट करना है, और नीटनेस लाजमी रखनी है, कफ पर ही नीटनेस लाना ज़रूरी होता है। आपने इसको नीचे से सिलाइयाँ भी आपकी कवर हो जाएंगी, नीटनेस भी आ जाएगी, इसलिए सीधी तरफ मोड़ना है। कफ हमारा लग चुका है। अब जब आपने इसके दरमियान की सिलाई लगानी है तो इसको इस तरह से जोड़ के फिर आपने लगानी है, बराबर भी आए, ऊपर नीचे भी ना हो। शलवारों पे भी ये चीज़ यूज़ होती है, कुछ डिज़ाइन वाली शलवारों पे, ट्राउज़र्स वगैरह पे, ताकि ये आपकी यहाँ से नीटनेस रहे।